सितंबर को खैरगढ़ के निकाऊ निवासी निशा पत्नी अमरवीर अपने भांजे अंकित के साथ रेलवे स्टेशन से पैदल ही बंसीपुरम आ रहे थे। जब दोनों नहर के पुल पर पहुंचे तभी उन्हें ईको सवार बदमाशों ने तमंची वल पर लूट लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना की गंभीरता को लेते हुए प्रभारी निरीक्षक को सी खुलासा करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस घटना के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। बुधवार को पुलिस चेकिंग के दौरान दाहिनी की पुलिया पर ईको सवार युवकों को रोका और चेकिंग की तो युवकों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ। कड़ाई पर पूछताछ में उन्होंने 9 सितंबर की रात हुई लूट की घटना का इकबाल किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही से लूटा गया एक लॉकेट और टूटी हुई आधी चेन बरामद कर ली। इस बारे में सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद से ही लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों को लगा दिया था। जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इनके पकड़े जाने से लूट एवं क्षेत्र में चुनौती की घटनाओं में कमी आएगी। देखिए, आज से 4 दिवस पूर्व जो स्टेशन रोड पे एक महिला से रात्रि 11:30 के आसपास चुनौती की घटना हुई थी, जिसमें ईको सवार लोगों ने उसके गले से चेन और कुंडल छीन लिए थे तमंचा दिखाकर। सिकोहाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ईको की पहचान की गई और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे माल बरामद किया गया है, तमंचा बरामद किया गया है और आज उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने पकड़े गए लुटेरों के नाम अरुण कुमार निवासी पुरा बीरवल थाना चित्रहाट आगरा, राजकिशोर उर्फ राम आधार निवासी उदयजीत का पुरा और प्रदीप निवासी डेरक थाना बहा आगरा बताया है।